program Darno. Jadi वो डिपेंड करेगा आपके अगेन कि वो गोल क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, उसमें अगर प्रोग्रामेबिलिटी की जरूरत है क्या, तो वो प्रोग्राम को जनरली कोई भी प्रोग्राम अगर कोई करता है ड्रोन हो या कुछ भी, तो अगर एक लॉजिक आप क्रिएट करके रखोगे तो वो बेटर होगा कि हाँ अब जिसको हम सूडो कोड में लिखते हैं कि हाँ वो प्रोसेस क्या होगा कि हाँ मेरा कहाँ से मैं वैल्यू, अगर जैसे आई आर का है तो मैं आई आर की वैल्यू कहाँ से डिसाइड करूंगा, तो उसका मेरा कंडीशन क्या होगा कि हाँ वो वैल्यू आ जाए तो मैं क्या फिक्स हो जाना चाहिए या रोल हो जाना चाहिए, फिक्स फॉरवर्ड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो एक सूडो कोड अगर फ्लो डायग्राम की तरह करेंगे तो देन आपको इजी रहेगा, और बीच बीच में वो डिबगिंग मेथड्स भी यूज करेंगे, हमें वैल्यू लिखता जाऊं ताकि उन्हें प्रोग्राम को एक बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, कि एक बार जितना ज्यादा आप बैकअप करके काम कर लोगे, जैसे यहाँ पे अपने पूरे प्रोसेस को बैकअप किया है, गोल डिजाइन डिजाइन से कंपोनेंट्स असेंबल करो एंड प्रोग्राम एंड टेस्ट, तो वैसे ही आप प्रोग्राम अपने कोड को भी वैसे ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड अभी आजकल बहुत इजी इजी वे भी प्रोग्रामिंग आ रहे हैं, जैसे ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग, तो उसमें आपको एकदम ज्यादा एक कोड की नहीं लिखनी है, पर लॉजिक आपको मेन को ये एक आपको लॉजिक बिल्ड करना है कि आपको कोई यूज होगा, जैसे ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग रूल्स में यूज, हां हाँ, तो जैसे एक बार प्रोग्राम हमारे टू ब्लॉक्स है।